हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं अपना इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, आजकल मेरे ब्लॉग ना ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन में ना थोड़ी ख़राबी हो गई थी मेरी, इसलिए शॉप पे रखा था, मोबाइल शॉप पे, तो तब जाके ब्लॉग बना रही हूँ। और प्रॉब्लम भी हो गई थी फ़ोन में। तो गाइज़, यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत, जिससे देहरादून वाले जो हैं रहने वाले उनको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना खुल के एकदम बारिश नहीं हो रही है, दो दो मिनट में ऐसे करके बारिश होती है, तो काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो बच्चे नहा लिए हैं और दो दो बार नहाए थे बच्चे, तो यहाँ पे मैं उनके लिए मैंगो शेक बना दिया है। तो आप भी आ जाइए गाइज, पी लीजिए, और बच्चों को यहाँ पर मैं दे दूँगी। और चलिए, कैसा लगा? माई नहा के अच्छा लगा? और मानसी, ठंडक मिली नहीं? हाँ, बहुत गर्मी हो रही थी ना आज। मेरा भी मन कर रहा नहाने का दोबारा से, बहुत गर्मी लग रही मुझे। तो चलो, तो चलिए गाइस, जब तक बच्चे अपना मैंगो शेक पीते, मैं यहाँ पर बना कर लूँगी खाने की तैयारी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल गाइस। तो बच्चों का मन था, मेरा भी काफ़ी मन था, और दवाइयाँ खा रही हूँ ना, इसलिए तो मतलब मन करता है कि थोड़ा सा ना स्पाइसी खाऊं। तो वैसे डॉक्टर ने मना किया स्पाइसी खाने के लिए गाइस। तो चलिए, मेरी यहाँ पे बन के कढ़ी हो, कढ़ी तब तक बनती है। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं, तो यहाँ पे ना माई है ना, मन था उनका गुलाब जामुन खाने का, जो सूजी के बनाए थे गाइस। तो वो बोली थी मम्मी मैं ले कर आऊँ करके, और पता नहीं वो कैसे लाई। तो जैसे हम गुलाब जामुन खाते ना, तो वो ना बाखर खाना पसंद करती है, तो वो अपने लिए वही ले कर आई है। तो जीतू को दे रही है और मुझे भी दे रही है, और मोना तो अभी सो रही है, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो चलते हैं, और बच्चों के साथ अच्छा लगता है खाने के साथ ना, और मन भी भर जाता है गाइज। तो यहाँ पे गाइज मेरी हो गई है कढ़ी रेडी। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आया, और मैंने आज बनाई है नींबू वाली कढ़ी। तो गाइस, तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम। तो मैं पहले शुरू स्टार्ट होती हूँ, पहले भाई को मैं दे दूँगी यहाँ पर नाश्ता, और हस्बैंड को भी। तो वो जल्दी चले, देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है अभी, सुबह 6-7 बजे का टाइम है गाइस अभी। और तो चलिए, मैं यहाँ को भाई को देख के आ गई नाश्ता, और हस्बैंड को भी, और भाई का टिफ़िन भी थोड़ा पैक कर देती हूँ, क्योंकि जाता फिर टाइम नहीं लगता उसको भी। तो यहाँ पे मैं उसको मिर्च का भी अचार दे दूँ गाइज, ये मम्मी ने दिया था, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो चलिए, और गाइज मेरी वीडियो में बने रहें, और ज़्यादा ब्लॉग में आजकल कुछ नहीं दिखा रही हूँ गाइज, जैसा मुझसे बन रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइज। नीचे का जो पहले भाई को नाश्ता वगैरह दे के आ गई हूँ, पहले कर रही हूँ आज क्लीनिंग छत से स्टार्ट, क्योंकि रात को बारिश हुई थी गाइस, तो बहुत ज़्यादा ना कूड़ा वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू यहाँ पर, और देखिए मेरे पौधे थोड़े जो थे हरे भरे होने लग गए हैं, और देखिए वेदर भी कितना है अभी। और तो गाइस यहाँ पे ना, इधर और मैंने ना लकड़ी वगैरह रख रखी है इधर, तो यहाँ पर देखिए होता है अपने घर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर भी सफाई कर लूँगी सारी। तो गाइस मेरी वीडियो में बने रहे। गाइज़ यहाँ पे मैं सफाई वगैरह सारा कर लूँगी, और नीचे पूरा क्लीनिंग कर लूँगी अभी, तो मैं सोचा पहले ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी फिर क्लीनिंग हो जाती है, तो इतना वो नहीं होता है। तो अभी बच्चे तीनों सोए हुए हैं, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइज़, अभी 8 बजे का टाइम हुआ है, तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर लेती हूँ, और बारिश का भी मौसम ज़्यादा हो रहा है गाइज़, तो मैंने कि बारिश से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ। और तब तक बच्चे उठेंगे, उनके लिए नाश्ता बना दूँगी, तब तक मैं अपना नहा लूँगी। और गाइस यहाँ पे
गाइस सारी क्लीन वगैरह मेरी हो गई है यहाँ पे और मैं आ गई थी जस्ट नहा के। और हाँ गाइस, आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था तो यहाँ पे कर लूँगी मैं पूजा। तो और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस नहा के और मतलब पूरा घर क्लीन करके, मन को शांति, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे अपनी पूजा कर लूँगी मैं। और गाइस मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि बच्चे सारे सोए हैं, तो मैं तब तक पूरा घर सेट है, तब तक जब उठ जाएंगे तो पूरे घर का ना धमाल मचा देते हैं। तो तब तक धीरे धीरे पूरा घर सेट कर रही हूँ गाइस। और यहाँ पे अपने हेयर वगैरह बना लूँगी गाइस, तो थोड़ा सा लगा लेते हैं अपने चेहरे पर कर लेते हैं, वही अपना सिंपल सा रूटीन है, लिपस्टिक बिंदी गाइस, तो अच्छा भी लगता है। और हाँ गाइस, मेरे ना तबीयत ख़राब होने से बाल भी बहुत जड़ गए हैं, तो प्लीज़ कोई सजेशन बताइए कि क्या लगाऊं, कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सा हेयर ऑयल लगाऊं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए मेरे हेयर अभी। और पार्लर भी नहीं जो मैं स्ट्रेट करा लूँ एकदम, तो हस्बैंड भी मना कर रहे हैं कि अभी स्ट्रेट मत कराओ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में करके कौन सा हेयर ऑयल लगाऊँ। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा अपने लिए बना लूँगी यहाँ पर चाय और पी के तब आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो और हाँ देखिए, खुशहाल और मस्त रहने चाहिए। और वैसे भी इस कोरोना ने ना सबको इतना परेशान कर दिया गाइस, बहुत ज़्यादा खुश, मतलब ऐसे हो गया कि घर में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो गाइस अपने खाने पीने पे भी सब पे ध्यान दीजिए। और गाइस पता नहीं मुझे क्यों बार बार फीवर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, और इतना मेडिसिन भी लेते हुए भी, और इतने सारे टेस्ट मैंने करा लिए हैं। और गाइज मैंने कोरोना के भी ना तीन तीन टेस्ट करा लिए, तब भी नॉर्मल ही आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज पता नहीं, और मेरे चेहरे पे भी ना बहुत स्वेलिंग हो रही है। तो गाइज और पता नहीं मेरा ब्लॉग भी आपको कैसा लग रहा है पता नहीं। तो गाइज चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहें, सेफ रहें।